Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2. Differentiation. अभी तक हम इसमें इस lecture में ये chapter number 2 का lecture number 19 है, जिसमें हम अभी 2.6 start करेंगे. लेकिन उससे पहले हम कुछ topics देखेंगे, कुछ formulas देखेंगे, कुछ functions के derivative जो हैं वो देखेंगे. ठीक है, जैसा कि हमने कुछ यहाँ पे डेरिवेटिव्स देखने हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. Derivatives of exponential function क्या होते हैं? देखें, ये जो exponential function है उसका मतलब यहां पे क्या है? देखें, अगर किसी constant की power variable आ जाए, जैसा कि a यहां पे constant है, constant की power अगर variable यहां पे क्या है? x. constant क्या है? a. अगर किसी constant की power variable आ जाए तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, यानी कि यहां पे जो a है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? a की पावर x. अब a यहां पे क्या है? कांस्टेंट है. मतलब a यहां पे कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 की पावर x आ जाए. ठीक है, a तो कांस्टेंट है ना, कि वो कांस्टेंट तो कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो सकता है, मतलब 2 की पावर y आ जाए. ठीक है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही है. ठीक है, 6 की पावर x आ जाए, तो ये सारे के सारे यहां पे क्या हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर हमने क्या देखा कि जब किसी कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, ये है यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x. इसका हम यहां पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. कैसे? देखिएगा, इसका डेरिवेटिव हमने वैसे ही फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए. जैसे आपने एक्सरसाइज 2.1, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व की थी, वैसे ही हमने इसका जो डेरिवेटिव है a की पावर x का, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फाइंड करना है. ठीक है, लेट y इज इक्वल टू a की पावर x. ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल में आपके पास जो है वो टोटल तीन स्टेप होते हैं. ठीक है, स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होता है कि y में ऐड करते हैं हम डेल्टा y और x में ऐड करते हैं हम डेल्टा x. ठीक है, यहां से डेल्टा y फाइंड कर लेते हैं, a की पावर x प्लस डेल्टा x, y इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? माइनस y. ठीक है, यानी कि डेल्टा y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस, इस y की जगह हम क्या पुट करेंगे? a की पावर x पुट करेंगे. ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पे देखें a की पावर में मतलब बेस a की है, उसमें दो ऊपर चीजें ऐड हो रही हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x * a की पावर डेल्टा x माइनस a की पावर x. मतलब इस तरीके से अगर x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 1, तो ये बन जाएगा x की पावर 3. तो इसी तरीके से मतलब हमने इसको तोड़ा है a की पावर x * a की पावर डेल्टा x. ठीक है, यहां से डेल्टा y क्या आ जाएगा? a की पावर x कॉमन कर लेंगे तो आपके पास अंदर आ जाएगा a की पावर डेल्टा x माइनस 1. ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या होता है? डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय, ये मैं चले यहां पे मेंशन कर देता हूं, स्टेप नंबर ये 1 था आपका. ठीक है, स्टेप नंबर 2 मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं प्रॉपर्ली, डिवाइडेड ऑन both sides by delta x. ठीक है, delta x से मैं यहां पे क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा. ठीक है, यानी कि delta y over delta x is equal to a की पावर x, a की पावर delta x minus 1
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा ये मैंने डेल्टा एक्स के साथ इसको क्या कर दिया, डिवाइड। इसके बाद यहां पे देखें, ये तो स्टेप नंबर टू होता है। स्टेप नंबर थ्री आपका जो होता है लास्ट स्टेप, वो क्या होता है हमारे पास, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स, ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स। ये आपके पास यहां पे है जी, मतलब स्टेप नंबर थ्री, ठीक है। अच्छा यहां पे अब देखें आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां से आपने क्या करना है, देखें ए की पावर एक्स यहां से हम ऐसा करते हैं कि ना बाहर ले आते हैं, ठीक है। ए की पावर एक्स बाहर क्यों लेके आते हैं मैं बताता हूं, और जो बाकी रिजल्ट बच गया उसके उस पे हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। मतलब यहां पे मैंने ये वाला स्टेप किया, ये क्यों किया, देखें चैप्टर नंबर वन के अंदर आप एक रिजल्ट पढ़ के आए, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एच माइनस वन ओवर एच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग या लॉग ऑफ ए। ये रिजल्ट आप जो है ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, जो हमने यहां पे अब जो है यूज करना है, ठीक है। यानी कि देखें ये जो डेल्टा है, डेल्टा के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होती है तो डेल्टा डी की शक्ल इख्तियार कर जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स यानी बन जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू ए की पावर एक्स आ जाएगा, और ये पूरा रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, इस रिजल्ट के तहत जो आप चैप्टर नंबर वन के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें इसके साथ ना, असल में इस रिजल्ट के साथ एक वन भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। वन कैसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये वन का मतलब यहां पे क्या होता है, देखें लॉग ऑफ ए वन का मतलब होता है यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब यहां पे देखें डी ओवर डी एक्स, ये जो आपको वाई नजर आ रहा है ये वाला, इस y का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो आप जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यानी कि a की पावर x का, ठीक है। मतलब हम जो हम इसको अगर मैं स्टेटमेंट में बताना चाहूं आपको, मतलब इसको अगर मैं इस चीज को मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाहूं, तो हमने डेरिवेटिव लिया है a की पावर x का, a की पावर x का मतलब था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू a की पावर x, a की पावर x मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन log ऑफ a लॉगार्थमिक, log और a यहां पे कांस्टेंट है, लॉगार्थमिक ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो x है, x का मतलब यहां पे क्या है, पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि ए की पावर जो एक्स है, यानी कि मैं यहां पे लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो ये है इसकी स्टेटमेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगार्थमिक ऑफ कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो ये यहां पे है ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, जो कि ये है, मतलब ये ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर एक्स, ठीक है। ए जो है वो लॉग के साथ भी आएगा और पावर का डेरिवेटिव, ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला, मैंने इसका प्रूफ भी आपको करवा दिया। नेक्स्ट जो है आपके पास यहां पे आता है दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखें दूसरा आपके पास आता है यहां पे ई की पावर एक्स, ये भी एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x। इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, ठीक है। स्टेप नंबर वन इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर वन होगा y में ऐड करेंगे डेल्टा y और x में ऐड करेंगे डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा y यहां से फाइंड करेंगे e की पावर x प्लस डेल्टा x, y उधर चला जाएगा माइनस y, डेल्टा y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस डेल्टा x, माइनस y की जगह आपके पास आ जाएगा e की पावर
x, ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से तोड़ेंगे, e की पावर x इंटू e की पावर डेल्टा x माइनस e की पावर x, ठीक है, e की पावर x यहां से कॉमन कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा e की पावर डेल्टा x माइनस 1। स्टेप नंबर टू आपके पास क्या होता है, स्टेप नंबर टू आपके पास क्या होता है, डिवाइडेड ऑन बोथ साइड बाय डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x से आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें, ठीक है, e की पावर x, e की पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। अच्छा, ये आपका है जी स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री आपका क्या होता है इसमें, स्टेप नंबर, बल्कि मैं यहाँ पे स्टेप थ्री ऊपर कर देता हूँ, ये लिखा भी हुआ है स्टेप थ्री यहाँ पे, ठीक है, स्टेप नंबर थ्री। देखिए स्टेप नंबर थ्री आपके पास क्या होता है यहाँ पे, के स्टेप थ्री होता है अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। मतलब आपने क्या करना है जी, इस स्टेप पे लिमिट अप्लाई करनी है, यहाँ पे ए की जगह क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, तो यहां से क्या करेंगे आप, ई डेल्टा पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो डी ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम जो है, अब देखें मैंने अभी एक रिजल्ट आपको बताया था, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एच माइनस वन ओवर एच किसके इक्वल होता है, आपके पास लॉग ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर ये बन जाए आपके पास, मतलब ए की जगह ई आ जाए, ई की पावर एच माइनस वन ओवर एच, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ ई के बराबर, ठीक है, तो ये सारा रिजल्ट यहाँ पे लॉग ऑफ ई है, ठीक है, डी ओवर डी एक्स, और ये जो आपको y ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे y का मतलब क्या है, e की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है साथ में, ठीक है, ये 1 क्या होता है, e की पावर x log of e, 1 का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, आपने डेरिवेटिव किसका लिया है, e की पावर x का, जो कि आपके पास क्या आया, e की पावर x log of e, और ये x जो पावर में है वो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, ठीक है ना। मतलब चले मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल है साहब, एक डेरिवेटिव आपने अगर फाइंड करना हो e की पावर x स्क्वायर प्लस 2 का, मतलब ये आपने डेरिवेटिव अगर मैं आपसे कहूं जी मुझे ये डेरिवेटिव दें, इसका निकाल के दिखाएं, तो आप क्या कहेंगे, देखें e की पावर x का डेरिवेटिव पहले e की पावर x ही, मतलब जिसका आप डेरिवेटिव, मतलब e की e का ले रहे हैं ना, तो पहले आपने इसको ऐसे ही उतार देना है एज इट इज, ठीक हो गया। फिर ये देखें log ऑफ e, अब ये log ऑफ e वैसे जो है ना ये किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log of e, ठीक है, और बाद में डेरिवेटिव किस पे आपने लेना है, x पे, x का मतलब e की पावर, e की पावर यहाँ पे क्या आ रही है, x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो नेचुरल log e नजर आ रहा है, इसकी जगह हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर बताना मेरे लिए जरूरी है यहाँ पे अभी, ठीक है ना। मतलब ये देखें, ये बन जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस 2, ये 1 बन जाएगा, इसको खत्म कर देंगे और आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 पे, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया e की पावर x स्क्वायर प्लस 2 का, देखना मैंने इसका आपको प्रूफ करवाया पूरा, ठीक है। तो अब हम इसके, अब हम चलते हैं थर्ड प्रूफ पे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, ठीक है। जी थर्ड आपके पास जो प्रूफ है यहां पे, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये यहां पे आपका जो है वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है आपके पास, log of x, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको हम लेट करेंगे पहले नंबर पे y के इक्वल, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 इस पे अप्लाई करते हैं, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होगा, y में ऐड कर देंगे आप डेल्टा y और x में आप ऐड कर देंगे डेल्टा x, यहां से डेल्टा y आप फाइंड करेंगे, नेचुरल log x प्लस डेल्टा एक्स वाई उस तरफ जाके माइनस वाई हो जाएगा, डेल्टा वाई यहां से आ जाएगा नेचुरल लॉग
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की जगह आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो आपका यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि लॉग में अगर माइनस हो रहा हो तो क्या हो जाते हैं, डिवाइड। मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी जो है वो इक्वल किसके होता है, लॉग ऑफ ए ओवर बी के। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब यहां से देखें हम, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स में एक्स अलहदा करें डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अब यहां से आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स को एक्स पे डिवाइड करें वन आ जाएगा, वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप नंबर टू आपके पास क्या होगा, स्टेप नंबर टू आपके पास होता है डिवाइडेड ऑन बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है तो वन ओवर डेल्टा एक्स लिखेंगे, नेचुरल लॉग वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप नंबर थ्री, हम स्टेप थ्री पे जाते हैं, ठीक है। स्टेप थ्री पे तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन स्टेप थ्री में देखें आप, स्टेप नंबर थ्री आपके पास क्या होता है। स्टेप नंबर थ्री से पहले हम एक यहाँ पे बात करेंगे, क्या आप देखिएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक्स के साथ डिवाइड करता हूँ। आपको पता है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल लॉग वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास x ओवर डेल्टा x, ठीक है। ये ऊपर वाला x इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x ओवर डेल्टा x इनटू 1 ओवर x, नेचुरल लॉग 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, ये आपके पास है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक है। स्टेप नंबर 3 आपके पास, अच्छा यहाँ पे अब एक काम करते हैं, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर x। ये जो x ओवर डेल्टा x है, मैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ कि अगर स्टार्ट में लिखा हो तो कहां पे चला जाता है, पावर में x ओवर डेल्टा x, इस तरह लिखा हो ना 2 इनटू नेचुरल लॉग 4, तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग 4 की पावर 2। मतलब ये जो स्टार्ट का है ये चला जाएगा पावर में, तो यहां पे x ओवर डेल्टा x को मैं यहां पे क्या ले गया हूं, इसकी पावर पे ले गया हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 आपके पास यहां पे क्या है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 on both sides, limit delta x approaches to 0 delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 1 over x, natural log 1 plus delta x over x whole power x ki power delta x, ठीक है। अब यहां पे देखें dy over dx, डेल्टा पे जब लिमिट अप्लाई होती है तो डेल्टा डी वाई ओवर डी एक्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है। यहाँ पे 1 ओवर x को हम शुरू में लिख लेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे इस रिजल्ट के ऊपर, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x की पावर डेल्टा x, ठीक है। यहाँ पे जरा देखने वाला इसका आंसर क्या होगा, इस रिजल्ट का, इस पूरे रिजल्ट का आंसर क्या होगा। देखिए, आपने चैप्टर नंबर 1 में एक रिजल्ट पढ़ा था, लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 over n की whole power n is equal to e। ये result आपने जो है ये chapter 1 के अंदर पढ़ा था। ये chapter 1 में ये result आपको क्या चीज explain कर रहा है, ये चीज explain कर रहा है कि देखें आप यहाँ पे, मतलब n approach यहाँ पे कर रहा है infinity को, ठीक है। अब देखें 1 के बाद आ रहा है 1 over n, अगर मैं इसमें n की जगह इंफिनिटी रखता हूं तो 1 ओवर इंफिनिटी क्या बन जाएगा, 0, पहली बात। दूसरी बात यहां पे ये है कि अंदर जो है बाहर उसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या बनता है, n ओवर 1, n ओवर 1 को सिंपली हम n भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई करें तो ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल हो जाता है, e के। तो यहां पे चेक करते हैं क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब 1 के बाद जो है वो 0 बनना चाहिए, यानी कि ये जो 1 ओवर n वाली फॉर्म है ये 0 बननी चाहिए। अब यहां पे 1 के बाद क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग x ओवर x, अगर डेल्टा x यहां पे 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहां पे डेल्टा x की जगह 0 पुट करें, 0 ओवर x 0, यानी कि फर्स्ट 1 के बाद दूसरी टर्म जो है वो 0 बन रही है। दूसरी बात, अंदर जो है क्या बाहर उसका रेसिप्रोकल है, यस, डेल्टा x ओवर x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x ओवर
डेल्टा एक्स। तो फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो सारा रिजल्ट है, सॉरी यहाँ पे हमने ना एक काम गलत किया है, करेक्शन करनी है यहाँ पे, ये कि लॉग जो है ना ये कॉन्स्टेंट है, इसको हमने जो है ये बाहर लिखना है, लॉग बाहर आएगा, ठीक है, लॉग बाहर आएगा। अब ये रिजल्ट पे देखें, क्योंकि देखें ना इस रिजल्ट के साथ लॉग नहीं आता, तो मैंने लॉग यहाँ पे कर दिया था गलत, तो वो करेक्शन करके इसको बाहर लें। अब ये सारा रिजल्ट किसके बराबर बन जाएगा, ई के, और आपको पता है नेचुरल लॉग ई जो है वो किसके इक्वल होता है, वन के बराबर होता है, ठीक है, वन ओवर एक्स, और ये वाला वन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने डेरिवेटिव फाइंड किया किसका, लॉग ऑफ एक्स का, ठीक है। अब यहां पे देखें वन ओवर एक्स, ठीक है, ये जो वन है, वन का यहां पे मतलब क्या होगा, डी ओवर डी एक्स एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव है लॉग एक्स का। जब भी आपसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए तो आपने कहना है वन ओवर एक्स और बाद में एक्स पे डेरिवेटिव, मतलब लॉग के साथ जो भी लिखा होगा पहले आप उसको वन ओवर की फॉर्म में उल्टाएंगे, बाद में उसी के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे। तो हमने यहाँ पे तीन डेरिवेटिव देखे, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव। ये तीनों जो प्रूव है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ भी जाता है बास टाइम शॉर्ट क्वेश्चन एज ए प्रूव, ठीक है। तो इनको आप एज ए प्रूव भी करना आपको आना चाहिए, ठीक है, और इनको याद भी आपने करना है, एक्सरसाइज 2.6 में इन्होंने यूज भी होना है। तो फिर यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे।